नेचर्स कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस कैसे पहचाने और क्या करें। ऐसे कोरोना मरीज जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता या कैंसर का भी उपचार करा रहे हों, अन्य किसी रोग के लिए स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक दवा का ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हों या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हों, उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में ब्लैक फंगस का खतरा बहुत बढ़ गया है और कई राज्यों में ब्लैक फंगस ने कई मरीजों की जान ले ली है। ब्लैक फंगस रोग के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके जरिए मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण की पहचान की जा सकती है और साथ में यह भी बताया गया है कि ब्लैक फंगस होने पर रोगी क्या कदम उठाएं। ब्लैक फंगस संक्रमण होने के लक्षण, पहला है नाक से काला द्रव या खून की पपड़ी निकलना, दूसरा है नाक का बंद होना, तीसरा है सिर दर्द या आंखों में दर्द, चौथा है आंखों के आसपास सूजन आना, धुंधला दिखना, आंखें लाल होना, आंखों की रोशनी जाना, आंखें खोलने और बंद करने में परेशानी महसूस करना, पांचवा है चेहरा सुन्न हो जाना, चेहरे में झुरझुरी महसूस करना, छठवां है मुंह खोलने या किसी चीज को चबाने में परेशानी होना। एम्स के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लैक फंगस के लक्षण जांचने के लिए लगातार अपने चेहरे का निरीक्षण करते रहें और देखते रहें कि चेहरे पर कोई सूजन, खासकर नाक, आंख या गाल पर तो नहीं है, या फिर किसी भाग को छूने पर दर्द हो रहा हो। इसके अलावा अगर दांत गिर रहे हों या मुंह के अंदर सूजन या काला भाग दिखे तो सतर्क रहें। अगर आपको ब्लैक फंगस होने का शक हो तो क्या करें। पहला है ब्लैक फंगस की जांच के बाद कुछ भी शक हो तो तुरंत ENT डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा है डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगातार उपचार करवाएं। तीसरा है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास करें। चौथा है किसी अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हों तो उनकी दवाइयों का लगातार सेवन करते रहें। पांचवा है अपने आप किसी भी तरह की दवा का सेवन ना करें। छठवां है अगर डॉक्टर सलाह दें तो MRI या CT स्कैन जरूर करवाएं। दोस्तों ऐसे ही नए नए चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद।